भाई बहन के प्यार में बस इतना सा अंतर है, जो रुला कर मना ले वो भाई, जो रुला कर खुद रो पड़े वो बहन। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहन और भाई के प्यार पे होने वाला है। तो एक कहावत है कि दूसरे की बहन के बारे में उतना ही बोलो जितना अपनी बहन के बारे में सुन सको। मगर यहाँ जो आज मैं रियल स्टोरी लेकर के आई हूँ वो बिल्कुल उसकी जस्ट अपोजिट है कि खुद का भाई ही बहन के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोल जाता है कि आप दूसरों की बहन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही हृदय को छू लेने वाली कहानी है, एकदम सच्ची कहानी है। और जब मैंने ये सुनी ना तो मतलब गुस्सा तो आता है ऐसे भाइयों पर, लेकिन अब जब मैंने सुनी है इस समय ना तो अंदर से ऐसा नहीं, मन रोसा पड़ता है ऐसी चीजों को सुन के। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ इस सच्ची कहानी को भी शेयर किया जाए। तो कहानी एक बहन और भाई की है, एक बहन की स्टोरी है ये। उस समय स्टोरी स्टार्ट होती है जब बहन छोटी थी, उसकी पढ़ने की उम्र थी, कि उसका भी मन होता था, चार उसकी फ्रेंड्स थी, उसका भी मन होता था कि मैं भी इन लोग के संग पढ़ने जाऊं, स्कूल जाऊं और अपनी फ्रेंड के साथ आज इमली खाऊं, कैथा खाऊं। जो उम्र होती है लड़कियों की, हर लड़की इस उम्र से गुजरती है, तो उस उम्र में हर लड़की का मन होता है कि जब हमारी सहेलियां इस चीज को खा रही है तो हम भी खाएं। मगर उस उम्र में, उस छोटी सी पढ़ाई करने वाली उम्र में, पंख फैला के उड़ने वाली उम्र में उस लड़की के साथ क्या अत्याचार हुआ कि कहने को तो उस लड़की के भाई थे, एक नहीं दो नहीं चार पांच भाई थे उसके। मगर उसके घर में उसके मम्मी पापा भी थे, बहन बहने तो नहीं थी, इकलौती बहन थी, भाई चार पांच भाई थे, मम्मी पापा थे, मगर घर में चलती सिर्फ उनके बड़े भाई की थी। वो जब बता रही थी तो मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था सुन के कि सिर्फ बड़े भाई की चलती थी और बड़ा भाई बाहर घूमता था, मतलब हर तरह की घूमना फिरना, दोस्ती यारी अय्याशी करना, और एक छोटी सी बहन को वो सिर्फ प्यार नहीं दे पाया। दे पाया तो क्या, अपनी आंखों में उसको सिर्फ डर कि लड़की उसको देख लेती थी तो सहम जाती थी। ये उसके बचपने की कहानी है, आगे भी बताऊंगी। इतना डर भर दिया उसके अंदर, ठीक है मान लो डर भर ही दिया है तो कम से कम बच्ची घर में सुरक्षित रहे तो तब भी ठीक है डर। एक तरफ भाई का कहना था कि तुम बाहर खड़े होके किसी से बात नहीं करोगी, घर के बाहर नहीं निकलोगी, चार पांच छह सात साल की उम्र में ही तुम सलवार सूट पहनोगी, दुपट्टा डालोगी। लड़की के अंदर बड़प्पन क्यों ना आए जब हम उसको छोटी सी उम्र में बड़प्पन की तरफ ढकेल रहे हैं? तो बड़प्पन तो आना स्वाभाविक सी बात है ना। हम खुद उसको एहसास करा रहे हैं कि तुम दुपट्टा डालो, अब तुम बड़ी हो गई हो। अरे भाई, जब एक लड़की बड़ी होती है ना तो सबसे पहले उसकी माँ को समझ में आता है कि हाँ हमारी बेटी बड़ी हो रही है, तो उसको हम किस तरह के कपड़े पहनाए, किस तरह के ना पहनाए। यहाँ पे भाई इस चीज को माइंड कर रहा था। और आप खुद बताओ कि चार पांच छह सात साल की उम्र में या 10-12 साल की उम्र में, आज के समय में तो फिर भी लड़कियां बड़ी होने लग जाती हैं क्योंकि खिलाई पिलाई का सारा असर होता है, मगर पहले के समय में इतना नहीं होता था। और उसके बाद उस भाई ने इतना अत्याचार किया कि उसका छोटे उम्र के कपड़े पहनने का शौक उसका छीन लिया, आंखों में काजल लगाने का शौक उसका छीन लिया, अपनी फ्रेंडों के बीच में जाने का, हंसने खिलखिलाने का शौक, मन सब उस भाई ने छीन लिया। दिया क्या, छोटी सी उम्र में वो लड़की, उनको रहने के लिए घर की व्यवस्था करनी थी। भाई भाई हो, लड़की को इतना ज्यादा कंट्रोल में रखना जानते हो तो फिर पूरी तरह से रखना चाहिए ना। उस लड़की को छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ छीन के भेज देते दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने, कि जब वो लड़की झाड़ू पोछा बर्तन करके आएगी दूसरे के घर में तब उसके एवरेज में इनको मकान में रहने को मिलेगा। लानत है ऐसे भाई पे कि सिर्फ वो हमारे कपड़ों के पहनने ओढ़ने पे रोक लगा सकता है, हम आंखों में काजल ना लगा इसका रोक लगा सकता है, लेकिन इतना ना करें, लेकिन दूसरों के घर में हम झाड़ू पोछा बर्तन करने जा सकते हैं। तब नहीं लगा कि वहां पे कौन होगा, मेरी बहन को किस नजर से देख रहा होगा, तब नहीं सोचा। और जब वो बता रही थी एक चीज मुझे
कि जब वो घर में किसी के की बता रही, जब मैं काम करके निकली तो आसपास पड़ोस में रहने वाले, जैसे कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे बगल में रह रहा है, उसके बगल में कोई सॉरी रह रहा है, तो वो हम लोग आज के समय में तो नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि सब अपने अपने फ्लैट बनवा लेते हैं, उसमें रहते हैं, अपना अंदर गया दरवाजा लॉक, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। एक जो पड़ोस होता था ना, पूरी एक फैमिली के जैसा होता था, तो उसमें सब भाई बहन ही होते थे। तो वो निकली तो पास पड़ोस के दो लड़के तीन लड़के होंगे उससे खड़े बात करने लगे कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, क्या है, तो उसने भी जवाब दे दिया। अब बस उसके भाई ने उसको बात करते हुए देख लिया। जैसे ही घर पहुंची है लड़की, बता रही वो मुझको कि मैं जैसे घर पहुंची तो उसने क्या करा, घर में आया, अपनी लेदर की चमड़े की बेल्ट जो कमर में सब लड़के बांधते हैं निकाला, और उस चमड़े की बेल्ट से लड़की को इतना मारा, इतना मारा कि वो लड़की के अंदर उस चीज का जो डर भरा, तो शायद वो आज तक ना निकल पाया। अब आप बताइए, क्या भाई का सिर्फ इतना ही राइट बनता है? क्या भाई का ये राइट नहीं बनता है कि हम भाई हैं, तुम घर में रहो और हम कमाएंगे, हम कमरा लेंगे, हम काम करेंगे। मान लो हैसियत नहीं है तुम्हारी कि इतना कमा पाओ, तो काम करने का भी जिम्मा तुम उठाओ ना। अगर बहन पे इतना रोक टोक लगा रहे हो तो ठीक है, प्यार से घर में रखो, दूसरे के घर में काम करवा के फिर तुमको इतना सहनशाही दिखाने की क्या जरूरत है? मैं आजकल के भाइयों को भी देखती हूँ, बहन भाई के रिश्ते को देखती हूँ, बहुत बहुत अच्छे लगते हैं देख के, कि लगता है कि बस यही बहन भाई का रिश्ता होता है और होना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो लगा कि कितना मतलब वो नीच भाई होगा कि जो इस तरह से डरा के रखता है। फिर उसने मुझे आगे बताया कि मतलब उसके अंदर उस औरत के अंदर डर इतना, इस कदर का डर भर गया अपने भाई के नाम का कि कल उसकी जब शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, मगर वो लड़की अपने भाई के सामने मुंह नहीं खोल पाई, तो नहीं खोल पाई। एक समय ऐसा आ गया कि भाई उसको सिर्फ यूज करने लगा। पैसों की जरूरत है तो ठीक है, घर आना है तो तुम अच्छा खिला पाओगी तो ठीक है, नहीं खिला पाओगी तो ठीक है, नहीं आएंगे तुम्हारे घर। कुल मिला के सिर्फ पैसों के दम पे ही बहन से रिश्ता चला। एक दिन वो बताती क्या है कि मतलब उसकी सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो या उसका जैसा सोचना हो, वो अपने भाई के घर राखी बांधने गई, अपने शादी के कुछ समय के बाद या 3 4 साल 5 साल के बाद राखी बांधने गई। हाँ ऐसे टाइम हुआ होगा, राखी बांधने गई वो, और तो उसके भाई, वो लेके गई थी कुछ भी मिठाई जो भी होगा। तो भाई ने क्या करा, डायरेक्ट उनको नहीं बोला, भाई बहन ने राखी बांधी भाई की कलाई पे, और भाई ने उसके बदले में उसको दिए सिर्फ 50 रुपए। बहन सोचिए, बहन शादीशुदा थी, उनके खुद के बच्चे थे, भाई ने दिए 50 रुपए। और उसके बाद अपनी बीवी से बोलते हैं कि इसको बोलना कि मिठाई ना ना लाना हो तो ना लाया करे, लेकिन लाया करे तो अच्छी लाया करे। बताइए, क्या भाई बहन का रिश्ता सिर्फ मिठाई पे टिका हुआ है या सिर्फ 50 रुपए में? जो कि बहन को पता है कि हम वहां पे जाएंगे तो हमको इससे ज्यादा नहीं मिलना है। और बहुत से भाई, अभी एक भाई का और आपको मैं बताऊंगी कि भाई सिर्फ ऐसे ही नहीं ना, भाई ऐसे भी हैं, तो उसको सिर्फ 50 रुपए दिए, और बाद में उनकी बीवी के मार्फत से उनको बता दिया गया कि भाई मिठाई अगर अच्छी, बहुत अच्छी हाई फाई क्वालिटी की ला पाओ तो लाया करो, वरना रहने दिया करो, मत लाया करो, महक रही है मिठाई। मतलब एक भाई तो एक बहन का गुमान होता है कि अगर हमारे पास एक भाई है ना, तो हम इतना गर्व महसूस करते हैं कि मेरा भाई हूँ, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मगर उस बहन से पूछिए कि उस दिल पे क्या बीती होगी कि जिस भाई पे वो गुमान करती, उस भाई ने तो उसके अंदर डर भर दिया। कुछ कहना चाहती कह नहीं सकती थी क्योंकि इतना डर भरा था, बेइज्जती, वो टाइम टाइम पे बेइज्जती करते रहते। तो ऐसे भाई का होने ना होने से क्या फायदा? और उसी जगह में एक दूसरे भाई की भी आपको बताती हूँ छोटी सी स्टोरी, जल्दी से बता के खत्म करूंगी क्योंकि वो भी एकदम रियलिटी है, और वो किसी और की नहीं, वो मेरे अपने हस्बैंड की है जो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी ना, तो मुझे लगा कि ये भी तो भाई है, इन्होंने अपनी बहन को, इनकी भी इकलौती बहन है, और आप तो वो मान लीजिए थी में है क्योंकि कोई नाता रिश्ता नहीं है फिलहाल उनसे,
उनका समय इतना खराब था इनकी बहन का कि मतलब उनके घर में खाने तक को नहीं था। गांव के उसमें शादी हुई थी, गांव में रहती थी, तो इन्होंने अपनी बहन को अपनी जिम्मेदारी पे, सिर्फ बहन नहीं थी, बहन, बहन के हस्बैंड और उनके दो तीन लड़के, अपनी जिम्मेदारी पे उन्होंने बुला लिया अपने पास कि यहीं पे रहो, तुम्हारा खर्चा हम उठाएंगे। उनको उन्होंने एक जगह पे लेके अच्छी से उनको दुकान करवा दी, होटल करवा दिया, अच्छा खासा होटल चलने लगा और उन्होंने उनका पूरा खर्चा उठाया, कुछ समय अपने पास रखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम अलग रहेंगे, तो उन्होंने अलग रखवा दिया कि चलो ठीक है। जहां पे रखवाया वहां का किराया वो खुद देते थे, उनके घर का राशन, गैस सिलेंडर, मतलब आप समझिए डेली के लाइफ में खाने पीने से लगा के हर चीज में किस चीज की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ वो करने लगे। और लास्ट में बहन ने क्या किया कि जिस जगह पे उन्होंने उनको दुकान करवाई थी ना, वो दुकान उन्होंने अपने नाम पे कर ली कि अब ये दुकान मेरी है, मैंने उसको सजाया सवारा है, इसलिए अब ये जमीन ही मेरी हो गई। तो वो फिर इसी वजह को लेकर के इनकी बहन से रिश्ता खत्म हो गया कि जब हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तब तुमने जाके छोटी सी चीज पे, मान लीजिए आज के समय में जमीन छोटी सी चीज तो नहीं है, है तो बहुत बड़ी चीज, मगर इन्होंने वो जमीन भी छोड़ दी कि ठीक है जाओ तुम बहन हो तुम ही ले जाओ, और उन्होंने उस जमीन को ले लिया, बेच लिया, बेच के यहां से चली गई है और अब अपने जहां पे भी रह रही होंगी मुझे फिलहाल नहीं पता है। तो कहने का मतलब कि एक ये भी भाई है कि अपनी बहन के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दी, और एक वो भी भाई है जिसने अपनी बहन के लिए कुर्बानी नहीं दी, सिर्फ उसको मारा पीटा डराया धमकाया, उनकी एज से डबल एज के आदमी के साथ उनकी शादी करा दी, क्योंकि घर में भाई चलती उन्हीं की थी, उनकी डबल एज के आदमी से उनकी शादी करा दी गई कि जाओ अब तुम्हें जहां रहना हो जाके रहो, तुम्हारी लाइफ अच्छी है बुरी है हमसे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब एक भाई वो भी था और एक भाई ये भी है, कोई मैं इनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन जो सच है मैं वही बता रही हूँ। और ये वाला मेरा वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि सच्चाई देखिए किसी के गले नीचे नहीं उतरती है, सच्चाई सबको कड़वी लगती है क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। लेकिन मैंने सोच रखा है कि मैं यहाँ पे कोई भी कॉपी पेस्ट स्टोरी लेकर के नहीं आऊंगी, अभी आने वाले समय में मैं आपको भी अपनी भी पूरी स्टोरी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, कहने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में हर भाई उसी तरह का है, बहुत अच्छे अच्छे भाई हैं दुनिया में, मैंने बहुत भाइयों को देखा जो अपनी बहन के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार है। अगर बहन को ना 100 रुपए की जरूरत है और उनके पास 100 रुपए ही हैं तो वो ये नहीं देखते कि मैं क्या करूंगा, वो अपनी बहन को देंगे, क्योंकि इतना मजबूत प्यार है भाई बहन का, और बहन भाई का प्यार इसी से है, सिर्फ कलाई पर धागा बांध देने से बहन भाई का प्यार नहीं होता है, बहन भाई का प्यार दिल से होता है। तो फिलहाल आप लोग को ये कहानी, मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैंने एकदम रियल स्टोरी आपको बताई है, कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियो में, मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, सच्ची कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।